मेरा नया टॉपिक है आज का वो है एज़ोट्रॉप्स, जिसका रिलेशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन दोनों के साथ है। एज़ोट्रॉप्स होते क्या है? इट इज अ डोज मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट बाइनरी सॉल्यूशन, दो कंपोनेंट कम से कम होने चाहिए उसके अंदर। उसको अगर आप हीट करें या उसको बॉइल करने की कोशिश करेंगे तो भी क्या होगा, उसका कंपोजिशन नॉर्मल वेपर फेज में या लिक्विड कंपोजिशन में दोनों सेम होता है। इवन ऐसे कंडीशन में, ऐसे मिक्सचर को हम कभी भी चाहें तो हम इसे सेपरेट आउट नहीं कर सकते। दैट कंडीशन, दैट मिक्सचर इज कॉल्ड एज़ोट्रॉप्स कहलाते हैं। तो पहला कंडीशन क्या है एज़ोट्रॉप्स के लिए, कंडीशन क्या है? बाइनरी सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब जिसके पास दो कॉम्पोनेंट प्रेजेंट होंगे, जैसा कि मैं पहले बात कर चुका हूं, ए और बी। ए इज कॉल्ड सॉल्वेंट एंड बी इज कॉल्ड सॉल्यूट। मिक्सचर, खासकर बाइनरी मिक्सचर विच हैज सेम कंपोजिशन इन लिक्विड फेज एज वेल एज इन वेपर फेज, सच मिक्सचर इज कॉल्ड एज़ोट्रॉप्स। अब रहा सेम कंपोजिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसका मतलब मान लीजिए आप ए और बी, आपके पास कोई कॉम्पोनेंट था 1:2 रेशियो में आपने मिक्सचर तैयार किया। इसका रेशियो अगर लिक्विड फेज में 1:2 है तो वेपर में भी क्या होगा इसका 1:2। इसका मतलब क्लियर हो गया हम इसे सेपरेट आउट नहीं कर सकते। जब भी वेपर में जाएंगे तो ए भी उतना ही अमाउंट में जाएंगे, बी भी उतना ही अमाउंट में जाएंगे। अब ऐसे कंपोजिशन कहा था एज़ोट्रॉप्स। तो ये दो तरह के ऐसे एज़ोट्रॉप्स मिक्सचर पाए जाते हैं। फर्स्ट कहलाता है मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स का मतलब, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, 95% अगर मैं इथेनॉल लूं प्लस 5% वाटर। ये ख्याल रखना ये कंपोजिशन फिक्स है, ऐसा नहीं कि आप 90 कर दे उसे 10 कर दे, नहीं। इस कंपोजिशन जब इस परफेक्शन में पहुंचेंगे, इस रेशियो में, तभी ये एज़ोट्रॉप्स बन पाएंगे। वरना ऊपर नीचे वाले अगर आप बढ़ा दें या घटा दें इस कंपोजिशन को, तो वैसे कंडीशन में एज़ोट्रॉप्स नहीं बन सकते। तो एक पर्टिकुलर कंपोजिशन में जाके एज़ोट्रॉप बन पाते हैं, जहां पर लिक्विड और वेपर दोनों फेज के अंदर क्या होता है, उसका कंपोजिशन चेंज नहीं होता, सेम रहता है। अब रीजन हुआ कि मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉप्स का मतलब क्या है। मिनिमम का मतलब ऐसे मिक्सचर की बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगी, घट जाएगी। इसका रीजन है ऐसे मिक्सचर शो करते हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो जो भी पॉजिटिव डेविएशन वाले हैं उनको हम चाहें तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉप्स बना सकते हैं। सेकेंड टाइप इसका होता है, वो होता है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉप्स, नाम से ही जाहिर हो रहा है मैक्सिमम मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। इसका एग्जांपल है 68% अगर आप नाइट्रिक एसिड लें प्लस 32% वाटर के साथ, ऐसे केस में ये मिक्सचर, इसका मतलब नेगेटिव मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है ड्यू टू नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। ऐसे अगर आप ये कंपोजिशन अचीव करेंगे तभी आपको ये बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉप बन पाएंगे। तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट में बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है बिकॉज नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव से मतलब इसका इंटरेक्शन फोर्स इंक्रीज कर जाएगा, वेपर बनने में टाइम लगेगा, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगी। फर्स्ट केस में क्या मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज़ोट्रॉप्स, दोनों के बीच में क्या इंटरेक्शन फोर्स वीकर हो जाएगा, इसलिए पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। तो खासकर आपको ये दोनों के एग्जाम्पल याद करने हैं, ये एग्जाम्स के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड एज़ोट्रॉप्स के बारे में बात करना था।